दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे। वो टॉपिक ये है कि हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने MBBS की फीस 53,000 से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दी है। जो फीस 10 लाख रुपए की गई है उसको पे करने के बच्चों को दो ऑप्शन सरकार ने दिए हैं। पहला ऑप्शन है कि बच्चा कॉलेज को इंस्टीट्यूट को बॉन्ड दे। उस बॉन्ड का मतलब यह है कि बाद में सरकार उस बच्चे को एजुकेशन लोन दिलवाएगी और बाद में उस बच्चे को वो लोन पे करना है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि बच्चे को जबरदस्ती कर्जदार बनाया जाएगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि बच्चे हर साल 10 लाख रुपए फीस भर दें और ये जो बॉन्ड है 4.5 साल के कोर्स में लगभग 37 लाख रुपए का बॉन्ड हो जाएगा। अब ये बॉन्ड भरने के बाद सरकार ये कह रही है कि जो बच्चा सरकारी नौकरी करेगा उसकी जो एजुकेशन लोन की मतलब उसकी मूलधन और उसका ब्याज है वो सरकार पे करेगी, लेकिन सिर्फ 7 साल के लिए। ये बात नोट करने की दोस्तों, लेकिन सिर्फ 7 साल के लिए। अब जो 40 लाख रुपए के आसपास का जो किस्त बनेगी वो सिर्फ 7 साल की नहीं, वो 15 साल से 20 साल से भी ज्यादा किस्त बनेगी। 7 साल के बाद उस किस्त को कौन भरेगा? कुल मिला के बात यह है कि वो बहुत सारा का सारा स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ना है और बाद में सरकार उस 7 साल को 0 पे ले आए, 3 पे ले आए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात जो सरकार कह रही है कि जो सरकारी नौकरी करेंगे, अब सरकार जो सरकारी नौकरी निकाल रही है वो हर साल अगर एवरेज निकाले तो मुश्किल से 150 से 200 के बीच में होती है। और जो बच्चे पास आउट होते हैं हर साल MBBS करके, 850 सरकारी सीट है, 600 प्राइवेट सीट है, मतलब 1450 के आसपास टोटल बच्चे हर साल पास आउट होते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन पोस्ट निकल रही है सिर्फ 150 से 200। अब जो 200 के बाद बच्चे बच गए 1200 के आसपास, वो तो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। और सरकार इसमें पॉलिसी में भी इसके पॉइंट नंबर 9 पे साफ कह रही है कि सरकार बाध्य नहीं होगी जो डॉक्टर होंगे, बनके डॉक्टर निकलेंगे, उनको सरकारी नौकरी देने के लिए। जब सरकार के पास सरकारी नौकरी है ही नहीं तो सरकार ऐसी नीति क्यों लेके आ रही है कि बच्चा अगर सरकारी नौकरी करेगा तो उसका लोन सरकार भरेगी। कुल मिला के बात है कि सरकार जितने ये लॉजिक दे रही है, ये सारे के सारे लॉजिक बस बातों को गुमराह करने के लिए, बच्चों को गुमराह करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए। अब इसके बाद जो अगला सवाल है साथियों, जो सरकार ने ये कहा कि डॉक्टर बनने के बाद जो सरकारी नौकरी करेंगे, अब MBBS बनती है तो बच्चे नौकरी करते नहीं है, बहुत सारे बच्चे PG भी करते हैं, बहुत सारे बाहर भी जाते हैं। जो बच्चे MBBS के बाद PG करना चाहते हैं यानी कि MSc MD करना चाहते हैं, उनके बारे में इस पूरी नीति के अंदर सरकार ने कहीं कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक पॉइंट डाल दिया कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो इतनी बड़ी और इतनी इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और अगली बात है साथियों कि जो जिस तरीके से LPG सिलेंडर की सब्सिडी के साथ हुआ, खाते में सब्सिडी आने लगी, धीरे धीरे सब्सिडी खत्म कर दी, आज तो सरकार ये कह रही है कि वो एजुकेशन लोन बच्चे का भरेगी अगर वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनका भी लोन हमेशा सरकार भरेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। धीरे धीरे सरकार ये भी बोल सकती है कि हम सिर्फ 80% भरेंगे, फिर सिर्फ 60% की बात कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको बिल्कुल खत्म भी कर सकती है। तो कुल मिला के बात यह है कि सरकार उस फीस को बढ़ाएगी बढ़ाएगी। फिर अगली बात साथियों, जो इस पॉलिसी के अंदर सरकार ने की है, सरकार ये कह रही है कि जो बच्चे फीस भरेंगे, मतलब बॉन्ड के अलावा जो फीस भरेंगे, कि 10 लाख रुपए के हिसाब से जो बच्चे फीस भरेंगे, जो पैसा इकट्ठा सरकार के पास होगा, सरकार उसे एक मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट बनाएगी। वो ट्रस्ट क्या काम करेगा? वो बच्चों को जो मेडिकल स्टूडेंट्स उनको सुविधा देने के लिए, फेलोशिप देने के लिए उसमें काम आएगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि सरकार इनडायरेक्टली, सीधे तौर पे नहीं कह रही, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, बच्चों से ही पैसा इकट्ठा करके वो मेडिकल के स्टूडेंट्स का खर्चा उठाएगी। अब अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो पैसा कहाँ गया कहाँ, ये भी सवाल बनता है और ये जनता को ये सवाल सरकार से करना चाहिए। दूसरी बात साथियों, जो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी ने बयान दिया है कि बहुत सारे बच्चे MBBS करके बाहर निकल जाते हैं और एक MBBS पे 1.5 करोड़ के आसपास खर्चा आता है तो हम बाहर नहीं जाने देंगे। साथियों ये बात कहना कि 1.5 करोड़ के आसपास खर्चा आता है एक स्टूडेंट के ऊपर, ये अपने आप में थोड़ी सी अजीब बात है, क्योंकि जो डॉक्टर तैयार हो रहे हैं और जो पढ़ाई है वो सरकार की जिम्मेदारी है, डॉक्टर तैयार करना, टीचर तैयार करना, लोगों को पढ़ाई देना। अगर सरकार उसको एक प्राइवेट कंपनी की तरह, एक ठेकेदार की तरह से देखेगी कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसकी आउटपुट नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग को में ये बात बिठाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार भी एक प्राइवेट कंपनी की तरह होगी है जो लागत लगाएगी और उससे मुनाफा निकालेगी। दूसरी बात जो सरकार कह रही है कि बच्चे बाहर निकल जाते हैं, बच्चे बाहर क्यों निकल जाते हैं, इसके ऊपर काम करना चाहिए। अब मतलब बच्चों को अगर यहीं सुविधा मिलेंगी, यहीं पे अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी तो कोई भी बाहर क्यों जाएगा, बाहर क्यों जा रहा है कोई भी डॉक्टर, फैसिलिटीज के लिए तो जा रहा है। अब फैसिलिटीज पे काम कर नहीं रहे हैं, उल्टा फैसिलिटीज को घटा रहे हैं। उसके बाद साथियों जो MBBS की पढ़ाई है, गरीब आदमी पहले से ही बाहर हो चुका था, गरीब आदमी, रेयर ही कोई गरीब का बच्चा, गरीब मजदूर का, गरीब किसान का बच्चा डॉक्टर बन रहा था पिछले 10-12 सालों से, जब से कोचिंग सेंटर चले हैं। जो बच्चे MBBS कर रहे थे उसमें मतलब निम्न मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे या फिर एलिट क्लास के बच्चे आ रहे थे।
अब इस पॉलिसी से क्या होगा, जो मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे हैं, जैसे दुकानदारों के बच्चे हैं, छोटे व्यापारियों के बच्चे हैं, टीचर्स के बच्चे हैं, या पुलिस कर्म मतलब जो सी ग्रुप के या बी ग्रुप के कर्मचारी उनके बच्चे हैं, अब यह हमला उनके ऊपर है। धीरे धीरे एमबीबीएस की पढ़ाई को सिर्फ एलीट क्लास के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो इसलिए भी ये पॉलिसी खतरनाक है। अब सवाल यह है साथियों कि हम क्या करें और इसको कैसे समझें। अगर इस फीस बढ़ाने की चीज को हम सिर्फ ऐसे देखेंगे कि एमबीबीएस की फीस बढ़ाई गई है तो बहुत गलत है। सरकार की मंशा को हमें देखना पड़ेगा। पिछले लंबे समय से सरकार जो नीतियां लेके आ रही हैं वो सारी इसी तरीके की हैं। 2019 में हरियाणा के सभी सरकारी कॉलेजेस की फीस बढ़ा के दुगुनी कर दी गई थी। बच्चों ने आंदोलन किया, जबरदस्त आंदोलन हुआ, उसके बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा और वो फीस बढ़ोतरी का फैसला वापस लेना पड़ा। और फिर ये कृषि कानून लेके आए हैं, इसमें भी कि कृषि को किस तरीके से निजी हाथों में सौंपा जाए। जो मजदूरों के बिल थे, जो श्रम कानून थे, उनको भी निजी कंपनियों के पक्ष में ढीला कर दिया गया है इस तरीके से। और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें बहुत सारी सुविधाएं जैसे एमआरआई या सीटी स्कैन है उनको पीपीपी के तहत सरकारी बिल्डिंग्स के अंदर ठेके पर लगाया जा रहा है। और अगर ये आज एमबीबीएस की फीस इतनी बढ़ती है तो फिर अगली बार हो सकता है बीटेक की बढ़ाएं और कोर्सेज की बढ़ाएं। तो ये मामला सिर्फ एमबीबीएस का नहीं है, ये मामला इस देश के हर नागरिक का है, क्योंकि फीस बढ़ना, एक कोर्स की फीस बढ़ना, वो हर कोर्स को इफेक्ट करेगी, हर कोर्स में अपना प्रभाव डालेगी। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा 40 लाख रुपए दे के डॉक्टर तैयार होगा, 40 लाख रुपए तो डायरेक्ट फीस है, उसके अलावा जो खर्चा रहेगा मतलब कि ये लगा लो लगभग 70 लाख के आसपास बच्चा खर्चा लगा के जब डॉक्टर तैयार होगा तो क्या वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा या उसको दिमाग में सिर्फ मुनाफा रहेगा, ये सोचने की बात है। कि जब आप उसको इतना मजबूर कर दोगे, उसको इतना कर्जा हो जाएगा, वो इंसानियत की सोचेगा या अपना कर्जा उतारने की सोचेगा। जब उसके दिमाग में कर्जा उतारने का होगा, उसका परिणाम क्या होगा समाज के अंदर, उसको सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है। इसके ऊपर आपको और हमको सोचना पड़ेगा। इसलिए जो फीस बढ़ाई गई है, इसका विरोध हर नागरिक को करना चाहिए, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे व्यापारी है, जो भी है, क्योंकि ये मामला हम सब से जुड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों आप सभी से अपील है, इस बॉन्ड पॉलिसी का विरोध करें। और विरोध करने बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप सभी सोशल मीडिया पे, अपनी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डीपी लगा के कर सकते हैं, अपनी छोटी सी वीडियो बना के डाल सकते हैं कि हम इस बॉन्ड पॉलिसी का विरोध करते हैं जिसमें इतनी महंगी फीस की जा रही है, आप इसका विरोध कर सकते हैं। दूसरी एक और बात बता रहा हूँ साथियों कि पिछले 2 साल से लगातार सरकार ये कह रही है कि जो बच्चे सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं उनके लिए हम कंपलसरी करेंगे कि 2 साल के लिए सरकारी नौकरी करें। अब उसको करने से सरकार को किसी ने नहीं रोका था, लेकिन सरकार ने उसकी बजाय ये फीस बढ़ा दी है। तो जो सरकार के लॉजिक है साथियों, जो सरकार तर्क दे रही है, दरअसल सरकार कुतर्क कर रही है, सरकार हमें भरमा रही है, सरकार हमें सही बात नहीं बता रही। सरकार हर चीज को नीचे हाथों पे सौंपना चाहती है, हकीकत यही है। जितनी जल्दी हम जागरूक होंगे, जितनी जल्दी इस निजीकरण की मानसिकता के, ठेकेदारी की मानसिकता के खिलाफ लड़ना शुरू करेंगे, उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।